का इलम, किसका इलम? गैब का इलम किसके पास है? हाजी बताएं आप लोग, किसके पास है? अल्लाह के पास है। मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो गैब का इलम अल्लाह के पास है, मैं बोलता हूँ अल्लाह से कोई चीज गैब ही नहीं। जब अल्लाह से कोई चीज गैब नहीं है तो अल्लाह को इल्म गैब की क्या जरूरत है? हाँ बताओ ना। जब अल्लाह से कोई चीज गैब ही नहीं, अल्लाह को इल्म गैब की जरूरत है? इल्म गैब तो उस लोग की जरूरत है जिसे कोई चीज गैब हो। हाँ जी, ये असल सोचने की ये बात है, हम समझते नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म गैब अल्लाह के पास है, मैं मानता हूं, लेकिन अल्लाह को इल्म गैब की जरूरत नहीं है। अभी अल्लाह के पास बादशाही भी है, शहनशाही भी है, इज्जत भी है, माल भी है, दौलत भी है, ये सब चीजें रब के पास है कि नहीं? क्या रब को बादशाही की जरूरत है? रब को शहनशाही की जरूरत है? रब को माल की जरूरत है? रब को दौलत की जरूरत है? नहीं। ये लेकिन सारी चीजें रब के पास है, किस लिए है? किस लिए है? अता करने के लिए। जिस पे मेहरबान उसको अता कर देता है, तो ऐसे इल्म गैब भी रब के पास है। किसी के लिए? अता करने के लिए। जिस पे मेहरबान हो जाता है उसको भी इल्म गैब अता कर देता है। अल्लाह को इल्म गैब की जरूरत नहीं है, अल्लाह से तो कोई चीज गैब ही नहीं है।